हाँ जी बेटा, टिल यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड रिलेशन बेटा। अब बेटा फंक्शन की बात करनी है। वी हैव टू स्टडी द टाइप ऑफ फंक्शंस। अब बेटा टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए हमारे पास जो है बेसिकली क्या होगा। हाँ जी बेटा, टाइप ऑफ फंक्शंस में हमने दो टाइप के फंक्शंस मेन स्टडी करने हैं बेटा। वन इज मेरे पास जो है वन वन फंक्शन एंड सेकेंड इज ऑन टू फंक्शन। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट समझना। अगर वन वन फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन दूं ना, मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम रियल टू रियल, जैसे मर्जी डिफाइंड है, सच दैट मेरे पास हो गए एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स है। अब बेटा वन वन फंक्शन का मतलब इफ मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो दिस इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। एफ लगा दिया मतलब क्या, इमेज ना, वो कहता है कि अगर इमेज सेम है तो वो वैल्यूज भी सेम पे ही फंक्शन की होंगी, ठीक है कि नहीं। तो अब जैसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, जैसे ये देखिए मेरे पास ये मैपिंग की मैंने एक्स टू वाई डिफाइन किया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ ए बी सी डी ई, ए की इसके साथ, बी की इसके साथ, सी डी ई, ये मैंने अब ये सबसे पहले दो की एक इमेज, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। दो की एक इमेज वन वन में पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली एफ ऑफ फोर भी डी है, एफ ऑफ फाइव भी डी है। इसका मतलब एफ ऑफ फोर एफ ऑफ फाइव के इक्वल, बट बेटा फोर इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो ये फंक्शन वन वन नहीं। सिंपल सी बात, वन वन के लिए अगर फंक्शन इक्वल है तो जो है जहां पर वो फंक्शन की वैल्यू थी वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर? अब मैं और एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, पहले जस्ट आपको डेफिनेशन समझा दो। अब मेरे पास जो है ऑन टू फंक्शन की बात करें, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑन टू फंक्शन। बेटा ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि अगर एक मैपिंग है मेरे पास, मान लीजिए ए टू बी फंक्शन की मैपिंग दी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ ए बी सी डी ई एफ भी ले। अगर हर एलिमेंट यहां पर, अगर हर एलिमेंट यहां पर किसी ना किसी की प्री इमेज है तो तभी वो फंक्शन ऑन टू होता है। जैसे मान लीजिए मैंने वन को इसके साथ, टू को इसके साथ, थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां कोई एलिमेंट बचा तो नहीं हुआ ना जो किसी की प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू। अगर मान लीजिए मैं ऐसे ये मैं यहां कर देती हूं, एफ बच गया, ये किसी की इमेज नहीं है ना, प्री इमेज सॉरी, तो दैट मींस कि हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। कोई भी एलिमेंट अगर चेकिंग के लिए हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको वहां डेफिनेशन बताई कि मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। यहां चेकिंग कैसे करते हैं ऑन टू में, कोई भी फंक्शन की अगर मेरे पास रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए ना, रेंज को, रेंज कैसे निकालते हैं, हर एलिमेंट किसके साथ कोरिलेट है, आउटपुट होता है और को डोमेन सेट बी होता है। अगर पूरा का पूरा सेट बी जो है वो रेंज के इक्वल है, यानी को डोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो 100% वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ये बेस्ट तरीका होता है किसी को जज कर,
ठीक है जी। अब मैं आपको डायग्राम से एक बार क्लियर करती हूँ, तभी ज्यादा क्लैरिटी होगी। मान लीजिए मेरे पास फोर तरह के डायग्राम्स हैं, जैसे देखिए पहला मेरे पास है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। 1 ए के साथ कोरिलेट है, 2 बी के साथ, 3 डी के साथ, 4 5 के साथ। सबसे पहले तो 1 1 1 1 के लिए मैं देखूं, हर एक एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट के साथ ही कोरिलेट है ना, 1 1 होगा, ये होगा ना हर एक ही। अगर जब मैंने कहा ना कि अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल है, तो इम्प्लाइज जो है एक्स वन एक्स टू के इक्वल है, यहाँ नॉट वाला भी चल सकता है, क्लियर कट है। एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल सही है ना, मतलब नॉट वाली भी डेफिनेशन अप्लाई होती है। तो ये 1 1 है, 100% 1 1 है। अब देखे ऑन टू के लिए, मैंने आपको देख के ही बोला था, कहा था यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचने चाहिए, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज देखूं तो मेरे पास इस फंक्शन की रेंज क्या है, ए बी सी डी बस, लेकिन कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई एफ भी है उसमें, एक्स्ट्रा है ना, तो दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बात समझ आई, क्लियर कट बेटा? थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट समझोगे तो ये कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास है, एक एग्जांपल और देती हूँ, लेट अस सी कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। चलो मैपिंग दी है फंक्शन की, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी, किसी के साथ भी कर लो, डजंट मैटर। लीजिए पहले तो ये बताओ ये 1 1 है कि नहीं, क्यों नहीं है, अलग इमेज चाहिए, बट यहां पर एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू की सेम ही इमेज है, दैट इज बी। हाँ जी, ऑन टू भी नहीं है, यहाँ बच गए एलिमेंट ए और एफ, किसी की भी प्री इमेज बनते ही नहीं, तो दैट मींस कि ये मेरे पास जो है फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। 1 1 कैसे नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ वन भी बी है, एफ ऑफ टू भी बी है, इसका मतलब एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट केस बेटा, ताकि आपको इससे पता चल जाए। अच्छा एक चीज बता दूं, मैनी टू वन फंक्शन होता है, बट 1 टू मैनी कभी फंक्शन नहीं होता। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई ऐसे, ये मैनी टू वन है, ये फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ऐसे ये 1 1 से 2 आंसर्स आए, 1 टू मैनी कभी फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि डायग्राम में कई बार आपको 4 डायग्राम दे दिए और पूछ लिया जाता विच ऑफ 1 इज अ फंक्शन, तो आपको वो पता होना चाहिए। ओके, ये डायग्राम में क्लियर कट 1 एलिमेंट, जरूरी नहीं है 1 से। अच्छा ये लो ऐसे भी दे दिए है, तो ये मैनी 1 टू मैनी ना, एक एलिमेंट ज्यादा के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर ऐसे होता ये मैनी 2 एलिमेंट एक के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, 1 टू मैनी फंक्शन है, बट ये 1 1 फंक्शन नहीं, अगर टाइप पूछी। ओके बेटा, चलिए मैं आगे आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, लेट अस सी। चलो यही बना देते हैं, हाँ जी अब मुझे बताओ क्या ये 1 1 फंक्शन है, इज इट अ 1 1 फंक्शन, 1 1 तो है ही, और ऑन टू
अगर ये हटा देती ऑन टू फंक्शन है बट वन वन नहीं। ओके जी, वन वन का मतलब एक एक पे कॉरेस्पॉन्डेंस होना, सिंपल वन टू वन है ना। अगर एक ड्रेस मैंने ले ली तो वो ड्रेस कोई और नहीं ले सकता ना। आपने एक ड्रेस ले ली, मैं वो नहीं बाय कर सकती बिकॉज यू पे फॉर इट। तो ये वन वन रिलेशन होती। वो बाद में आप अपनी ड्रेस किसी को दे दो, है आपकी थी ना, पेमेंट आपने की थी। इज इट क्लियर? पहली पेमेंट तो आपने की ना, वो एज ए गिफ्ट आप किसी को दो, जैसे मर्जी दो, डजंट मैटर, बट पेमेंट आपके हाथ हुई तो हम आपकी ड्रेस मानते हैं शॉपकीपर्स। तो दैट इज वन वन रिलेशन। एट ए टाइम ड्रेस एक है, दो बंदे पेमेंट कर दें, इज इट पॉसिबल? वो वन वन नहीं होता। ओके बेटा, क्लियर? चलिए जी, अब नेक्स्ट मेरे पास जो है एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो। लेट अस सी, पी क्यू आर एस, वन टू थ्री फोर, हाँ जी, वन वन भी है ऑन टू भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है ना बेटा। चलिए नाउ कम टू बेटा एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ मैं आपको बताने लगी हूँ, स्टार्ट करने लगी हूँ। ऑन पेज एट हमने चेक कैसे करना है, ये तो फिगर से मुझे पता चला। अल्टीमेटली तो पेपर में हमने प्रूफ फाइंड आउट करना है ना कि ये कैसे वन वन है, कैसे ऑन टू है, उसके लिए कैसे जज करते हैं। लेट अस सी दैट। अब बेटा देखिए मेरे पास एग्जाम्पल सेवेंथ, अगर मेरे पास जो है एक ए सेट है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, ऑफ अ क्लास 10th इन अ स्कूल, एफ एक मैपिंग की, ए टू नेचुरल नंबर। अब उसने कहा एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, दैट इज रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एक्स। मैंने जो फंक्शन की मैपिंग की रोल नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट, मतलब अगर एक्स वन है तो रोल नंबर ऑफ वन स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट कह सकते हो, टू है तो रोल नंबर ऑफ सेकंड स्टूडेंट वो टू हो जाएगा, जैसे भी, ठीक है। अब उसने क्या कहा मेरे पास जो है, शो दैट द फंक्शन इज वन वन एंड नॉट ऑन टू। अब पेपर में आपको शो नहीं आएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, तीन चार ऑप्शन है, एफ इज वन वन, सेकेंड में एफ इज ऑन टू, थर्ड एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, जो है हाँ जी, एफ इज जो है मेरे पास वन वन है बट ऑन टू नहीं है। अब मैंने ही देखना है ना, तो पहले मैं चेक करूं, सीबीएसई की तरफ से कोई सैंपल पेपर अभी नहीं आया, वैसे मार्केट में बुक्स आर अवेलेबल नहीं, ठीक है, पहले ध्यान से ये बात सुनो बेटा। अब क्लियर कट है, मैं देखूं तो ये फंक्शन वन वन जरूर है, एक रोल नंबर जिसको अलॉट कर दिया मैं उसको किसी और को दे सकती हूँ, या एक रोल नंबर दो बच्चों का सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स ये वन वन है, क्लियर कट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। बात करूं ऑन टू की, मैपिंग की ए टू एन, यहाँ 50 बच्चे हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, इसका मतलब 50 के बाद 51 रोल नंबर किसी को अलॉट ही नहीं होना, वो किसी की नहीं ना इमेज बन रहा था, 52 किसी की नहीं, 53 किसी की नहीं, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है लेकिन ये वन वन है। ऐसे क्वेश्चन तो मॉरली कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, अगर नेक्स्ट देखें एग्जांपल 8, ऑन द सेम पेज व्हाट इज रिटन, एफ मेरे पास मैपिंग दी है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब गिवन बाय एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। अब मैंने चेक करना है, मैंने शो नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी, अब मैंने देखना है कि ये वन वन है कि ऑन टू है। लेट अस सी, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 पुट करूंगी एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 4,
डबल होता जाएगा, हर एक की यूनिक इमेज होगी, कोई टेंशन तो नहीं ना। वन वन गए, अब ऑन टू देखें। अच्छा वैसे हम पेपर में आगे पता कैसे चेक करते थे, जो ट्रेडिशनल मेथड है, मैं एक बार वो भी बता देती हूँ ताकि आपको अगर कुछ ना आए एटलीस्ट ट्रेडिशनल मेथड लगा के आप चेक तो कर सकते हो ना। मैंने लेट किया एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी टू एक्स वन टू एक्स टू के इक्वल, एक्स वन एक्स टू के इक्वल। वन वन तो हो ही गया, वैसे भी हमने ऑरली भी प्रूव कर दिया। अब बात करें ऑन टू की। अब देखो बेटा ऑन टू करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, तुम रेंज निकाल लो इसकी। अगर मैं देखूं रेंज निकालने का मेथड क्या होता था, वाई इज इक्वल टू पुट करते थे फंक्शन को, एक्स निकालते थे इन टर्म्स ऑफ वाई। अब यहां पर देखना अगर वाई की वैल्यू थ्री होती मेरे पास, तो ये थ्री बाय टू फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि इसने नेबरिंग क्या की थी, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहां पर जो मेरी नेचुरल है नंबर दिया हुआ ना कोड में नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली वो कह रहा है कि फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, क्योंकि सारे नंबर नेचुरल में टू से डिविजिबल नहीं होते, नहीं होते ना, बहुत सारे नंबर है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर यहाँ पर थ्री होगा, वन टू थ्री फोर, थ्री किसी की भी इमेज नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि टू के मल्टीपल ही आ रहे। ऐसे ही फाइव किसी की भी इमेज नहीं है, खाली पड़ा ना इधर। जब मैं मैपिंग कर रही हूँ फ्रॉम एन टू एन, तो जब इमेज ही नहीं है, इसका मतलब उसमें कोड मेन रेंज के इक्वल नहीं आ रही है। अब कोड मेन रेंज के इक्वल नहीं आ रही है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मैंने हर तरह से आपको बता दिया कि चाहे आप डायग्रामेटिकली सोच के देख लो। अगर कई बच्चे क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते, दे जस्ट थिंक ओवर दिस, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ऑन, वन की टू, टू की फोर, थ्री की सिक्स, सिक्स फोर की एट, बीच में गैप्स आ रहे हैं। वन वन तो है, ऑन टू नहीं। लेकिन अच्छा यही क्वेश्चन, ये था नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगर यही क्वेश्चन रियल टू रियल बन जाए फिर ऑन टू हो, ठीक है, फिर वन वन भी है ऑन टू है, मतलब यहाँ मेन्यूटली हमें वर्क करना पड़ता है, अदरवाइज द चैप्टर इज क्वाइट इजी। समझ आ गया बेटा, क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सेम क्वेश्चन उसने एग्जांपल नाइन्थ, देखो क्लियर कट, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, उसने डायग्राम से बना गई। मैंने ये आपको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब उसने पता क्या किया, रियल टू रियल है ग्राफ बना के दिखा दी, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि रियल टू रियल है ना, नेगेटिव में भी होगी, है ना, तो वन वन तो होगा ही होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि अब हमारे पास रियल टू रियल है। ओके जी, हमने कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ दिमाग में लॉजिक बिठाओ इसके रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना, ये ऑरली होने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, अब देखिए जरा टेंथ एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शन मेरे पास हो गए एफ ऑफ एक्स एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय मेरे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू वन एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन वेयर एक्स ग्रेटर देन टू। चेक करो कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है, वन वन तो क्लियर कट नजर आ रहा नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ वन पे एफ ऑफ टू पे आंसर वन है ना, बट वन इज नॉट इक्वल टू टू, वन वन तो है ही नहीं ऑन टू के लिए। कैसे पता चला,
हर किसी की जो है, अगर मैं नेचुरल नंबर देखूं तो हर जो है यहां पर, यू जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, एफ ऑफ वन, वन का वन के साथ, टू का वन के साथ। अब मैंने आगे थ्री लेना है, थ्री लूंगी तो टू का ना, फोर लूंगी तो थ्री का, कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, सारे ऑक्यूपाइड होंगे ना, तो क्लियर कट मेरे पास क्या है, ये ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, वो तो यहां से ही पता चल। अच्छा अगर यही चीज मैं यहां वन डाल देती, सपोज ये ऊपर स्टेटमेंट ऐसे ही रहती, तब ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने टू पे वन है, थ्री लिया, थ्री पे आंसर क्या आया, फोर, यानी थ्री पे फोर आया, फोर पे फाइव, फाइव पे सिक्स, सिक्स पे सेवन, ये दोनों तो बेचारे बच गए। दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड में, तो दैट मीन्स ये ऑन टू नहीं, क्योंकि रेंज देखा जाए उसमें वन आ सकता है, फोर फाइव सिक्स सेवन आगे सारे आ सकते हैं एक्सेप्ट टू एंड थ्री, लेकिन कोडोमेन सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये ऑन टू नहीं। जहां तुम्हें लगे डायग्राम बना लो और आपको पता चल जाए। ओके बेटा, क्लियर? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओनली राणा इज सेइंग ओके, बाकी बच्चे सोए हुए हैं? अभिरूप, फतेह, हंसिका, महक, सक्षम, ओके सुहानी, हाँ जी बेटा। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास हो गए, नेक्स्ट देखिए बेटा, मेरे पास एग्जाम्पल इलेवेंथ, एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इज, हमने चेक करना है, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, हमने खुद ने चेक करना है कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है। पहले तो देखे वन वन क्लियर कट है, स्क्वायर इवन पावर्स हो लेना कभी वन वन नहीं होते। उसका रीजन पता क्या है, अगर मैं लूं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू, एक्स वन कॉरस्पॉन्ड्स टू टू वैल्यूज, जब वो दो वैल्यूज के इक्वल आ रहा है तो बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वन वन हो जाए। जब भी इवन पावर या स्क्वायर हो तो वह वन वन नहीं होता, ये याद ही रखो। अब बात करें ऑन टू की, ठीक है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना इसका, यानी नेगेटिव वाले, रियल टू रियल में नेगेटिव आते हैं ना, तो ऑन टू भी नहीं है ये। क्योंकि अगर मैं देखूं एफ ऑफ वन पुट करूं आंसर वन, एफ ऑफ माइनस वन पुट करूं आंसर तब भी वन, आंसर नेगेटिव आना ही नहीं, पर मैपिंग मेरी रियल टू रियल है। तो देखा जाए रेंज इज, मेरे पास रेंज ऑफ एफ इज पॉजिटिव आर, बट कोडोमेन ऑफ एफ इज रियल, दोनों बराबर हैं नहीं है, नेगेटिव वाले बच गए जो किसी की भी इमेज नहीं थे, बनी नहीं रहते, तो दैट मींस ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आगे हम ये सारी चीजें प्रूफ करते थे बेटा, और उसमें ज्यादा टेंशन होती थी, ये ऑरली करने वाले सम्स हैं। चलूं आगे, क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए, लेट अस डू एग्जाम्पल ट्वेल्थ। अब देखिए एग्जाम्पल ट्वेल्थ में मेरे पास, शो दैट एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, इफ एक्स इज ऑड और इफ एक्स इज इवन। ये लीजिए, अब मैं मैपिंग कर रही हूं, बेस्ट वे है एग्जाम्पल लेके करके देखो, बिल्कुल है जी,
हाँ जी बिल्कुल, चेक कर लें एक बार। वन मेरे पास ऑड है, अगर एक्स ऑड है तो 1 + 1 टू से, 3 ऑड है, ऑड है तो एक बढ़ाना है, तो दैट मींस 4 से, 5 को 6 से, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर इवन 2 है तो एक कम करना है, सारे ऑक्यूपाइड हो रहे, कोई नहीं बचेगा, 8 भी आगे होगा ना ऑक्यूपाइड किसी ना किसी के साथ, तो सबकी जो है एक तो इमेज अलग अलग है, यानी 1 1 है, और कोई भी यहां बचेगा नहीं, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, चलता जाएगा। 100 ऑन डालती हूं मैं, तो दैट मीन्स ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। और आगे आप मानोगे नहीं कि जब हम थ्योरी वाला टाइप कराते थे ट्रेडिशनल मेथड से, तो उसमें दे पे दे केस बनवाओ बच्चों को, ये ऐसे केस करना है, केस 1 जब एन ऑड है, केस 2 व्हेन एन इवन है, तो तब अब ये इजी हो गया चैप्टर, बहुत इजी। पहले इसी चैप्टर को बच्चे बहुत टिपिकल मानते थे, समझ आ गई बेटा? ठीक, हाँ जी, नहीं सिर्फ 2 लास्ट एक्सरसाइज है ये उसके, हाँ जी, नहीं दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। हाँ जी बेटा नेक्स्ट, अब देखिए एग्जाम्पल जो है 13, एग्जाम्पल 13, हाँ जी बेटा, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। अब ये आपको याद ही रखना है बेटा कि हमारे पास जो है हमेशा ऑन टू फंक्शन अगर कोई दिया हुआ है, वो यहां पर मैपिंग दी हुई है कहां से, फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3, तो ये हमेशा जो है वो 1 1 होगा ही होगा। हम चेक कर लेते हैं कैसे, अब मैं प्रूफ करके बताने लगी, वैसे हमने अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है जी। अब प्रूफ कैसे करूं मैं, क्या करूं मैं, 2 की इमेज फिक्स कर देती हूँ, किन्हीं 2 की, सपोज मैंने फिक्स कर दिया एफ ऑफ 1 वो 1 है, एफ ऑफ 2 वो 2 है, 2 फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरे पास यहां पर दिया हुआ है कि ये ऑन 2 है, इसका मतलब 1 2 3 हर किसी ना किसी की यहां पर इमेज होगा, एग्जिस्ट करती होगी तभी बना होगा ना, क्योंकि ऑन 2 दिया है, तो दैट मीन्स 100% जो ये 3 है वो किसी एक के साथ तो कोरिलेट होगा ना। अगर मैंने यहाँ 1 2 लिया है, कोई बच्चा यहाँ 3 1 ले ले, तो वो एफ ऑफ 3 2 के साथ कोरिलेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्लियर कट है वो अपने आप 1 1 बन गया कि नहीं बन गया, हमने 2 की फिक्स की थी, तीसरे की अपने आप आ गई, तो वो 1 1 होगा ही होगा। ओके जी, बात समझ आ गई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शो दैट मेरे पास हो गए 1 1 फंक्शन फ्रॉम जो है मैपिंग दी है 1 2 3 टू 1 2 3 मस्ट बी जो है ऑन टू, उसने कहा 1 1 फंक्शन है और वो ऑन टू भी होना चाहिए, ये तो ऑरली होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा लेके देखो, अगर ये 1 1 है हर एक की एक एक इमेज होगी और 3 ही एलिमेंट्स है इधर, यानी तीनों के तीनों यूज हो गए तो अपने आप ऑन टू हो गए, हर केस में ये ट्रू नहीं होता है, हर एक में यहां फिक्स एलिमेंट्स ही है ना, अगर यहाँ 4 होते तो नहीं होता, यहाँ उसने जितने जो है पहले सेट में उतने लिए तो ये ऐसा हो रहा है, हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता। आपने कई एग्जांपल ऐसे देखे हैं जिसमें 1 1 है ऑन टू नहीं है, किसी में ऑन टू है 1 1 नहीं है, किया ना, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन सेट कर दी उसे। ओके बेटा क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है एक्सरसाइज 1.2, लेट अस डिस्कस दैट एक्सरसाइज। अब सिर्फ मैन्युअली करेंगे आज, ऑनलाइन बच्चे जरा पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, जिसका नेम लूंगी आज वो बच्चा बोलेगा,
हाँ जी अभिरूप, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अभिरूप